क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबन स्टेट बैंक के बगल में नगर पंचायत। क्या करते हैं आप? सर हमारा सोनारी का व्यवसाय है, ज्वेलरी का। क्या मामला आपके साथ हुआ, क्या अस्पताल में एडमिट है? सर हम एक्चुअली जब अपनी दुकान से वापस हो रहे थे 6:30-7 बजे शाम की बातें 1 तारीख की, तो रास्ते में कुछ एक एस आई साहब थे, कांस्टेबल थे, एस आई एक सी थे और कांस्टेबल पिंकू यादव थे। ये दोनों लोग ऐसे बाइक लगाए हुए थे कि बगल से एक पैदल आदमी भी नहीं निकल सकता था, हमको खैर बाइक से थी स्कूटी से। तो इन्होंने बोला कि मतलब बहुत गंदी गाड़ियाँ थी, फिर बोला साइड से निकल जाओ, पता नहीं ड्रिंक वगैरह की थी क्या, इसके बारे में नहीं पता, आप नासूदी में खड़े होंगे तो ये साइड से बोले निकलने के लिए। तो मतलब हमने बोला कि सर थोड़ा अच्छे से बात की, मेरा घर कहीं घूम नहीं, स्टेट बैंक में बोले कि हम भी कस्बे गए हैं, बस इतना ही बोला। और फिर हमने 4-5 बार गाली दी है, तो मेरे भी मुँह से निकल गया सर कि अगर हम ये चीज़ हैं तो आप भी तो ये चीज़ हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि कुछ बोला नहीं, उसके बाद हम वहाँ से चल दिए बाइक को अपना साइड किए, हम चल दिए वहाँ से। वो मेरा पीछा करने लगे, पीछा करके मेरे घर तक आए। घर आने के बाद मेरा घर देखे कहाँ है, फिर थाने गए। थाने पे जाने के बाद सर वो वहाँ से करीब 15-20 सिपाहियों को लेकर के आए और बिना अरेस्ट वारंट के आए थे, आ करके हमें थाने लेते गए। 7:30 बजे की बात है। थाने ले जाने के बाद हमें बैठाया गया करीब 11:30-11:30 बजे तक। 11:30 बजे एस ओ साहब अपने केबिन में बुलाए और केबिन में करीब 12-13 सिपाही मौजूद थे पहले से ही। और उन्होंने तुरंत एस ओ साहब ने कहा गेट बंद करो, गेट बंद करने के बाद तुरंत उन्होंने हमें बेल्ट से मारना स्टार्ट कर दिया। करीब 1 बजे तक उन्होंने हमें मारा था। एस ओ साहब ने आपको मारा? नहीं, एस ओ साहब डायरेक्शन दे रहे थे। डायरेक्शन दे रहे थे कि ऐसे मारो, यहाँ मारो, इसका हाथ जमीन पर रखवा के। एक सौरभ द्विवेदी करके हैं, उनसे जूता से जूता पहने हुए थे और मेरे हाथों पे चढ़वा दिए उनको, और मेरे जांघों को जो है कि बहुत ज़्यादा भाई मोटा शरीर है उतना फैलेगा नहीं जांघ, वो क्या करवाए कि 4-5 सिपाहियों से मिलवा करके मेरा जांघ पूरा फैला दिए, जितना फैला उतना फैलवा दिए पूरा। और मैं जैसे ही दर्द से चिल्ला रहा था वैसे ही वो मेरे मुँह पर मारते जा रहे थे। किस थाने का मामला है ये? मधुबन थाने का मामला है। अच्छा, इसमें वहाँ एसओ कौन है, कुछ पता है आपको जानकारी? एसओ का नाम स्वदेश कुमार सिंह नाम है। अभी क्या प्रशासन द्वारा क्या किया जाए, कुछ कार्रवाई? उनका चलान करके मुझे छोड़ा। क्या मांगे हैं अभी इसमें, क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि न्याय चाहिए सर। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, ठीक है, मैं तो कैसे भी बर्दाश्त कर लिया। 300 बेल्ट किसी के ऊपर गिरेगा सर, उसका दम टूट जाएगा। जैसे मेरा सांस जैसे फूल रहा था उस टाइम, मतलब वो लोग से मैं बोल रहा था सर मुझे 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो वो लोग मुझे छोड़ नहीं रहे थे, लगातार मार रहे थे। तो मेरे जगह कोई और होता तो शायद ही वो ना बचता। लोग जो हमारे साथ ये किए जिसमें एस ओ साहब, एस आई साहब, कांस्टेबल साहब सब लोग शामिल थे, मैं ये चाहता हूँ कि ये सबको सस्पेंड मैं करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये पुलिस के लायक नहीं है, वर्दी में रहने लायक नहीं है ये लोग। ये लोग जो है कि आम आदमी का कहाँ तक साथ देंगे, हम लोगों के ये पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट इनको बोला जाता है हम लोग के यहाँ, हम लोग वर्दी की बहुत इज्जत करते हैं, तो ये लोग पब्लिक सर्वेंट नहीं, ये लोग गुंडा अपने आप को बनते हैं। और एस ओ साहब मेरे पिताजी से एक बात भी बोले थे कि अरे इसको मैं गुंडा बनाऊंगा, और मेरे से क्या बोले थे कि पुलिस वालों से बढ़कर गुंडा कौन होता है। एसओ साहब बोले थे, स्वदेश कुमार सिंह जी बोले थे, ये पुलिस वालों से बढ़कर गुंडा कौन होता है। अभी अगर योगी सरकार में बोला जा रहा है गुंडा राज खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। सर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं खुद ही भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ, मैं खुद ही पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा मामला नहीं सुनने में आया था, लेकिन ये मेरे ही साथ हो गया। मैं खुद ही, या तो एसओ साहब को योगी जी से कोई नाराज़गी हो, हाँ, या इनके खिलाफ़ हो योगी जी के, तब एसओ साहब ने ऐसा किया। अब क्या है क्या नहीं, इनसे मैं बताया भी था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, उसके बाद भी ये ऐसा हुआ मेरे साथ। और ऐसा नहीं कि मेरे लिए कोई फ़ोन नहीं किया था,
यहाँ के जिला के अध्यक्ष जो है प्रवीण कुमार गुप्ता जो है प्रवीण गुप्ता जी, इन्होंने भी फ़ोन किया था और दारा सिंह चौहान जी भी ने फ़ोन किया था, सुब्बी बाबा जी ने भी फ़ोन किया था, रामविलास चौहान जी ने भी फ़ोन किया, मतलब जितने नेता हैं मतलब मेरे करीबी सब लोगों ने फ़ोन किया था। उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हाँ लड़के को कोई एक झापड़ भी नहीं छुएगा, लेकिन 11:30 से 1 बजे तक मुझे बहुत टॉर्चर किया गया। किस दिन का मामला, कौन सी तारीख थी? एक तारीख थी, शाम के 7:30 बजे मुझे थाने ले गया गया और 11:30 से 1 बजे तक मारा गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर एसओ साहब बोले चल मैं तुझे माफ़ कर दूंगा गाली दे करके, बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहे थे सभी लोग, वो बोले कि चल मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, एक काम कर, यहाँ 5 लोग बैठे हैं और लोग बाहर थे आ गए थे, 5 लोग बैठे हैं, चल तू इनसे माफ़ी मांग ले, अगर कोई माफ़ कर देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं सर जैसे ही माफ़ी मांगने गया उनके पास पैर छूने, वैसे ही एक थप्पड़ मुझे मिला, दूसरे लोग के पास गया वो भी एक थप्पड़ मार दिए, मतलब ऐसे करते करते 4-5 लोग के पास गया सभी लोग मुझे मारे। उसके बाद कहें चल तुझे तो कोई नहीं माफ़ किया, बंद करो इसको लॉकअप में, लॉकअप में बंद कर दिए। अगले दिन जो है कि पिताजी आए तो पिताजी से बोल रहे हैं कि पूछिए अपने लड़के से कोई एक भी थप्पड़ मारा है, क्योंकि रात में मुझे इन्फॉर्म कर दिए थे कि अगर किसी के सामने पूछवाएंगे अगर बोल दो कि हाँ तो फिर तुमको मारेंगे।